नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ हम कुछ फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे एक्सेल के। तो हम बात कर रहे हैं सम प्रोडक्ट्स को एरे फॉर्म में लिखने का। बात नॉर्मल तो सम प्रोडक्ट प्रोडक्ट को सम करने के लिए होता है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ एरे टाइप का करेंगे। जैसे सिंपल दैट कि मेरे पास एक डेटा है, कि मेरे पास एक डेट आइटम ऑफ डेट है, एक सेल्स का है, मतलब कि एक पर्टिकुलर डेट में एक पर्टिकुलर आइटम भी का है एक पर्टिकुलर अमाउंट में, और उसकी एमआरपी हमारी ए है। तो एमआरपी का रिकॉर्ड अलग है और क्वांटिटी का रिकॉर्ड अलग है, और मुझे इसका टोटल सम चाहिए। तो जनरली अगर आप करें तो जनरली आप क्या करेंगे, अगर छोटा डाटा है तो इफ़, और बड़ा डाटा है तो वी लुकअप लगाएंगे, और वी लुकअप में आप आइटम कोड के हिसाब से लुकअप करके मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप उसका रिजल्ट निकालेंगे। कि इक्वल वी लुकअप, वी लुकअप में आपने आइटम कोड को लिया और फिर आपने डेटा को लुकअप किया, कॉलम नंबर टू एंड कॉमा आपने जीरो दिया। ओके सॉरी, मेरा नंबर पैड जीरो, और फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सम करेंगे। लेकिन यहां देखिए, एक सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा हुआ है जो कि ए लुकअप भी कर रहा है, मल्टीप्लाई भी कर रहा है और आपका सम भी कर रहा है। तो चलिए कैसे करता है हम आपको बताते हैं। तो इक्वल यहां देते हैं सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट में हम देते हैं सम इफ, और सम इफ में हमारा रेंज ए है, क्राइटेरिया हमारा ए है, और प्रोडक्ट सम रेंज हमारा ए है। ए हमारा हो गया, और फिर इसकी दूसरे पार्ट में मैं इसकी क्वांटिटी को ले लेता हूं, फिर हम इसको नॉर्मल एंटर करते हैं और रिजल्ट आपके सामने है। अब आप लोगों को दिमाग से निकल गया होगा कि आखिर हुआ कैसे। तो उसके लिए आप फॉर्मूला एवलेट करें और देखें कि कैसे हो रहा है। देखिए, सम इफ ने क्या किया, चेक किया कि इसमें ए पर्टिकुलर वन टू वन जो है वो कितनी बार है, और उसका उसने एमआरपी निकाल दिया। तो सम ऑफ जितना बार रिपीटेड है उतना बार एमआरपी निकाल दिया, और फिर सम प्रोडक्ट को यहाँ एमआरपी मिल गया और साइट में यहाँ पे इसकी क्वांटिटी मिल गया, तो उन सब का मल्टीप्लिकेशन करके आपको रिजल्ट दे दिया। तो आप सोच रहे होंगे कि सम प्रोडक्ट ए सम इफ ने क्या किया, सम इफ ने इन सबों का सिर्फ क्या निकाला है, एमआरपी निकाला है। जैसे कि एग्जांपल मैं लिख देता हूं सम इफ, सम इफ में मैंने रेंज ले लिया और मैंने क्राइटेरिया ले लिया, और यहां पे हमारा सम रेंज है, तो इसका एमआरपी लुकअप कर दिया इसने। ठीक है, हम तो वी लुकअप से भी कर सकते थे, बट वी लुकअप से करेंगे तो क्या होगा कि अगर रिपीट होगा तो फिर दिक्कत हो जाती है, वो रिजल्ट एक बार में एक ही रिजल्ट देता, वो एरे में नहीं वर्क करेगा। तो यहां पे हमने इसका सम प्रोडक्ट में आसानी से इस्तेमाल करके आपको यूज कर लिया। तो इसी तरह की और भी मोर एंड मोर वीडियो देखने के लिए आप YouTube पे जाएं, और YouTube पे जाने के बाद सर्च बार में IPT इंडिया को सर्च करें। IPT इंडिया सर्च करेंगे, यहाँ पे सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेडिंग का चैनल आ जाएगा। आप इस चैनल पे जाएं, वहाँ पे मोर देन 2000 से ऊपर वीडियोज हैं। वीडियोज की अपडेट लेने के लिए आप उसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, या फिर ये नंबर है हमारा, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई, किसी तरह की सजेशन हुई, या फिर हमारी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो। और इस तरह हमारे साथ बने रहें और सीखते रहें एडवांस एक्शन।